मिशन जीवन श्रेय कहार 17 दिन धरी सुरंग भितरे किपरि थिले श्रमिक उद्धार अभियान विलंब हेबार मुख्य कारण कौन कहीं निराश हो पड़े उद्धारकारी दल केमिति टनेल भितरे फसिले 41 श्रमिक दीर्घ 400 घंटार विश्रामहीन उद्धार अभियान सफल 41 श्रमिकों को मिली नुआ जीवन फसी श्रमिकों को 800 mm पाइप जोगे उद्धार कर राति दिन एकाकार करदे उद्धारकारी टीम 17 दिन है जारी रही ऑपरेशन को अनेक घात प्रतिघातर सामना करने को पड़ता केतबले ड्रिल मेसीन भांगी जाउथला तो आउ केतबले माटी अतड़ा धसी जाउथला। टनेल भितरे केमिति थिले श्रमिक भोग शोषरे 9 दिन फसी रही श्रमिक 22 तारीख रे सफल होइथिला 6 इंच व्यास विशिष्ट पाइप संजोग फसी रहिबार 10म दिन रे श्रमिकंक निकटरे पहुंचीथिला रंधा खाद्य पाइप रे लगी एंडोस्कोपी कैमेरा 10 दिन परे प्रथम थर पर सामना को आसी सुरंग भीतर दृश्य श्रमिक मैंने सुरक्षित थिबा जानिपारी परिवार लोके आश्वस्त होइथिले किंतु 41 जन श्रमिक केमिति टनेल भितर फसिले केउठी थिला त्रुटि श्रमिक टनेल भितर को जीवा पूर्व सुरक्षा व्यवस्था जांच करा जाइथिला तो लोकों मनरे एमिति अनेक प्रश्न उंकी मारुछि। केंद्र सरकार को 4 धाम प्रकल्प अधीन रे 4.5 किलोमीटर लंब सिल्कियारा टनेल निर्माण कर उत्तराखंड 4 धाम को सबु ऋतुरे यात्री को सुरक्षा यात्रा सेवा जोगाई देबा उद्देश्य रे टनेल निर्माण करने को लक्ष्य रखा जाइछि। उत्तराखंड बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को जीवापाई श्रद्धालु माने एही टनेल द्वारा जीवाआसिबा करिपारिबे। सिल्कियारा पार्श्वरु 2.4 किलोमीटर एवं विपरीत पार्श्वरु टनेल निर्माण काम 1.75 किमी शेष होइछि। टनेल रो गोटे पार्श्व सिल्कियारा को संजोग करुछि। एही डबल लाइन टनेल 4 धाम प्रकल्प अधीन रे सबुठारु बड़ टनेल। टनेल काम शेष हेबा परे यातायात समय 1 घंटा ह्रास पाइब। हैदराबाद नवजुग इंजीनियरिंग कंपनी यही टनेल निर्माण करुछि। बहुत चुनौतीपूर्ण काम जिसमें हमारे श्रमिक भाई 16 दिनों से भी लगातार अंदर संघर्ष कर रहे थे और पूरा देश उनके लिए बाहर संघर्ष कर रहा था। इस पूरे अभियान में लगे हुए सभी कर्मचारियों को सभी कार्मिकों को सभी विशेषज्ञों को सभी हमारे वैज्ञानिकों को सभी भारत सरकार की संस्थाओं को और एक-एक व्यक्ति हमारा एक-एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए नवंबर 12 तारीख रे सिल्कियारा पार्श्वरु टनेल 205 रु 260 मीटर अंश बुसुड़ी पड़ा 260 मीटर मार्क बाहरे काम करुवा श्रमिक मैंने भितरे फसी जाते किंतु सौभाग्यवशतः श्रमिक मैंने फसी रही स्थान बिजुली और पानी जोगाण जारी रही तेणु श्रमिक मैंने सामान्य भल स्थित रही नियम अनुसार निर्माण काम पूर्वर जरूरीकालीन द्वारा रखा जाए किंतु यह टनेल निर्माण समय रे विकल्प द्वारा निर्माण करा जाय नथिला। दुर्घटना परे उद्धारकारी टीम एककालीन 3टी दिगरे ऑपरेशन करने को योजना करथिले। टनेल रो 3 पार्श्वरु ड्रिल करी श्रमिकंक पाखरे पहुंचबा को प्रयास होइतिला। जेउठी श्रमिक माने फसी रहितिले ताहार बाम डाहाण एवं उपर पार्श्वरु ड्रिलिंग करा जाउथिला। टनेल रो लुहा रड और पथर खंड काटिबारे उभय हॉराइजॉन्टल और वर्टिकल अगर मेसीन फेल मारिथिले। उद्धार कार्य रे डीआरडीओ रोबोटिक टीम इंटरनेशनल टनेल एक्सपर्ट टीम सह एनडीआरएफ एसडीआरएफ आईटीबीपी बीआरओ जवान सामिल होइथिले। अंतर्राष्ट्रीय टनेल विशेषज्ञ आर्नोल्ड डिक्स घटनास्थल रे पहुंची उद्धार कार्य रे मुख्य भूमिका ग्रहण करथिले। message which needs to be realized and communicated is this has been a all of India, all of government and all of India operation. Rarely have we seen such kind of concern for the lives of people who are perceived not to matter. A lot of people may perceive that 41 workers are non-entities, but it just shows that the government of India, the nation has risen to the occasion. आशा आशंका भितरे थिबा श्रमिकंक परिजनकु आश्वस्ति मिलिछि। उत्तरकाशी टनेल भितरे फसी रहिथिबा 5 जण ओडियांक परिवार लोके मानसिक दुश्चिंतारे भांगी पडिथिले। घरे पत्नी पुओ झियो ओ गां लोके ग्राम देवतींक निकटरे पूजार्चना करी श्रमिकंक फेरंता बाटकु चाहि रहिछन्ति। ब्यूरो रिपोर्ट आर्गस। जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।